अगर आप लोग भी ऐनक के खाली डब्बों को वेस्ट समझकर इन्हें फेंक देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, तो ये गलती आज के बाद आप लोग कभी भी नहीं करेंगे। बस आप लोगों ने इस वीडियो को देख लेना है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इन ऐनक के डब्बों के ऐसे हैरत अंगेज़ इस्तेमाल जो आज तक आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं किए होंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। इसी तरह की ज़बरदस्त सी वीडियोस के लिए कर दें सब्सक्राइब एंड बेल आइकन कर दें प्रेस। तो चलते हैं फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर वन को स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर वन है मेरी इस तरह के कप से रिलेटेड। कप जो होते हैं, अक्सर हमारे कप के जो ये हैंडल्स होते हैं ये टूट जाते हैं। मेरे कप के तो हैंडल हैं, लेकिन जिनके कप के हैंडल टूट जाते हैं उनके लिए ज़बरदस्त टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इनका आप लोग ज़बरदस्त सा इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे घर में बहुत सारे स्पून्स होते हैं, नाइफ्स होती हैं, इसके अलावा फॉर्क होते हैं। इन सब को आप लोग इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने टूटे हुए कप में जिनके हैंडल्स टूट चुके हों, और इस तरीके से ये कप के अंदर सही पड़े रहते हैं और उतने खूबसूरत लगते हैं। इस तरीके से जब भी आपको छुरी की, चम्मच की या फिर फॉर्क की ज़रूरत होगी आप लोग फ़ौरन ले सकते हैं। आपकी जितना भी सारी चीज़ें होंगी वो एक ही के अंदर अवेलेबल होंगी, ना घूमेंगी और ना ही कोई आपको टेंशन होगी। और साथ ही ये बना हुआ बहुत ही प्यारा लगता है, तो बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। टिप नंबर टू को स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर टू है मेरी सर्दियों से रिलेटेड। सर्दियों में हमारी स्किन जो होती है वो ज़्यादा ड्राई हो जाती, हाथ पाँव और साथ ही एड़ियाँ हमारी फटने से लग जाती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं। तो इसके लिए ज़बरदस्त रेमेडी बताऊंगी जिसको अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन एकदम बच्चों की तरह नरम मुलायम हो जाएगी, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी सर्दियों में। इस रेमेडी को बनाने के लिए लेना है आप लोगों ने 1 टेबल स्पून जैतून का तेल, और साथ ही आप लोगों ने ले लेनी है 1/2 टेबल स्पून चीनी। इन दोनों चीज़ों को आप लोगों ने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करेंगे ना तो ये चीनी जो होती है वो नरम सी हो जाएगी। अगर आपको फिर भी मोटी मोटी चीनी लगे तो आप लोग इसे ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। इट्स अप टू यू, जैसे भी आप लोग डालना चाहें इसे डाल सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्स करते जा रहे हैं। मिक्स करने के बाद ये रेमेडी बनके रेडी है। इसे आप लोग अपने हाथ पर, पाँव पर, अपने फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, अपनी गर्दन पर भी लगा सकते हैं, जहाँ पर लगाना चाहें आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए टिप नंबर थ्री को स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर थ्री है मेरी अक्सर नेल पेंट लगाते हुए नेल पेंट हमारी फिंगर से बाहर निकल आती हैं और अच्छी भी नहीं लगती और बाद में रिमूव भी नहीं होती। तो इसके लिए आपको करना है क्या है, नेल पेंट लगाने से पहले आप लोगों ने ऑयल लगा लेना है अपनी फिंगर्स पर साइडों में। उसके बाद आप लोगों ने नेल पेंट को लगा लेना है अपनी फिंगर्स पर। तो अगर आपकी एक्स्ट्रा नेल पेंट लग भी जाएगी ना तो ये आसानी से रिमूव हो जाएगी। मैं आपको रिमूव करके भी दिखाती हूँ। जैसे कि मेरी एक्स्ट्रा मैंने लगा ली है अपनी नेल पेंट को। अब आप लोगों ने करना है कि एक कॉटन ले लेना है, और कॉटन से आप लोगों ने, और तेल आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो, कोई भी लगा सकते हैं। अब आप लोगों ने कॉटन ले लेनी है, और कॉटन से मैं आपको रिमूव करके दिखा रही हूँ। देख सकते हैं कितना ईजीली ये रिमूव हो रही है। और इस तरीके से आपकी अगर नेल पेंट ख़राब हो भी जाती है तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, आप लोग रिमूव कर सकते। आज मैं आपको ज़बरदस्त सी टिप्स बताऊँगी जो आपकी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा आसान कर देती हैं और आपकी तमाम मुश्किलात को आसान कर देती हैं। कि ज्वेलरी पर जब आप लोग ट्रैवल वगैरह पर जाते हैं तो आप लोगों को ज्वेलरी लेकर जानी होती है, लेकिन इसके लिए आपके पास बॉक्सेस ही नहीं होते, तो आप लोग क्या करते हैं ऐसे ही ले जाते हैं इसे। तो इससे क्या होता है, आपकी ज्वेलरी के भी मोती होते हैं और जितनी खूबसूरती होती है वो ख़राब हो जाती है, आपकी ज्वेलरी एकदम काली हो जाती है, और साथ ही आपकी ज्वेलरी के जो नग मोती होते हैं वो निकल जाते हैं। तो जब आप लोग इस बॉक्स में उस ज्वेलरी को डालेंगे तो आप लोगों की ज्वेलरी की खूबसूरती भी ख़राब नहीं होगी, और इस बॉक्स को आप लोग अपने किसी भी पर्स में कैरी करके आसानी के साथ ले जा सकते हैं। ये बहुत ही कम जगह लेगा और ना ही आपकी ज्वेलरी का रंग खराब होगा। तो इस तरीके से ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप है अगर आप लोग ट्रैवल वगैरह करते हैं। तो लड़कियों को रिंग्स वगैरह ख़रीदने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ होता है, बहुत ज़्यादा रिंग्स उनके पास होती हैं, लेकिन उनके पास जगह नहीं होती कि वो उन रिंग्स को कहाँ रखें जिससे उनकी रिंग्स ख़राब भी ना हो और उनकी रिंग्स एक जगह पर महफूज भी हो जाएं। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपनी तमाम रिंग्स को लेना है और आप लोगों ने इस बॉक्स में उठा कर रख लेना है। इससे ना तो आपकी रिंग्स के खूबसूरती ख़राब होगी, ना आपकी रिंग्स के मोती निकलेंगे, और ना ही आपकी रिंग्स कभी घूमेंगी, और आपको सही वक्त पर आपकी रिंग्स भी मिल जाएंगी और आप लोग इसमें आसानी के साथ अपनी रिंग्स को रखकर महफूज कर सकते हैं। आगे और भी ज़बरदस्त टिप्स हैं, तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट वॉच करना है। तो इस तरीके से आप लोग अपने बॉक्स को उठाकर आप लोग अपने पर्स में भी रख सकते हैं या कहीं और रख लें, जहाँ आपको सही लगता है आप लोग इसको उठाकर रख सकते हैं और आपकी रिंग्स आपको सही वक्त पर मिल जाएंगी। क्योंकि ब्रशेस पर, ये ब्रशेस आपके पास बहुत सारे होते हैं क्योंकि हर चीज़ का अलग अलग ब्रश होता है, तो ब्रशेस आपके पास बहुत सारे होते हैं लेकिन जगह कम पड़ जाती है। तो आप लोगों ने अपने ब्रशेस को भी इसमें आप लोग रख सकते हैं आसानी के साथ, और इसको उठाकर आप लोग अपने पर्स में रख लें। तो जिस टाइम आपको ब्रश की ज़रूरत होगी
आप लोग अपने पर्स से ब्रशेस निकाल के यूज कर सकते हैं और ये ब्रशेस आपके घूमेंगे भी नहीं। इसमें आप लोग अपनी नेल पेंट्स को भी रख सकते हैं। नेल पेंट आपकी 2 से 3 तो आसानी के साथ आ जाती है। इसको उठाकर आप लोग अपने पर्स में रख लें। जब आप लोग ट्रेवल वगैरह पर जाएं तो आपके पास नेल पेंट अवेलेबल होगी, जिस टाइम दिल करे आप लोग लगा सकते हैं। इस तरह से आपके पर्स में जगह अगर कम भी होगी लेकिन आप लोग सामान बहुत सारा रख सकेंगे, क्योंकि ये बॉक्स के अंदर होगी। अगर ऐसे बॉक्स के अंदर ना रखी जाए, ऐसे फैला कर रखी जाए, तो चीज़ें ढूंढने में भी मुश्किल होती है और साथ ही काम और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जो प्यारे प्यारे सिक्केचर्स होते हैं वो भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके पास जगह की कमी होती है तो क्या करते हैं आप लोग, पर्स में उन कैचर्स को रख देते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर पर्स नीचे गिर जाए तो आपके जो कैचर्स होंगे ना वो टूट जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग इन एनक के डब्बों में अपने कैचर्स को रखेंगे तो इससे आपके कैचर महफूज होंगे और बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। चाहे आपका पर्स अगर नीचे गिर भी जाएगा तो भी आपके कैचर्स नहीं टूटेंगे, क्योंकि कैचर्स आपके एनक के डब्बों में होंगे। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग इन एनक के डब्बों में डाल सकते हैं, जैसे कि आप लोग मेमोरी कार्ड्स डाल सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तो वो गुम जाती हैं, तो वो भी आप लोग इसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा आप लोग मोबाइल सिम कार्ड्स डाल सकते हैं। अगर आप लोग ट्रेवल वगैरह पर जा रहे हैं तो हैंड फ्री आप लोग डालकर इसमें लेकर जा सकते हैं, ताकि आपकी हैंड फ्री भी ख़राब ना हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग इसके अंदर कैरी करके लेकर जा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को मज़ीद आसान बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की तमाम टिप्स और आइडियाज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। टिप्स पसंद आए हैं तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब।